हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद महिला थाना में प्रेमी प्रेमिका की हुई शादी। पहले तो प्रेमी ने शादी से किया इनकार, बाद में पुलिस द्वारा हवालात में बंद करने के बाद प्रेमी शादी के लिए हुआ राजी। प्रेमिका पहले से थी शादीशुदा। एक साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। थाना में अब पहुंची थी तो पहले तो शादी करने से ये इनकार कर रहे थे। सच्चाई है इस बात में? पहले ये इनकार कर रहे थे शादी करने से। हाँ, तो थाना में क्या शिकायत किए थे? तो थाना पहुंची थी ना आप? हाँ जी। तो किस लिए पहुंची थी थाना, वो बताइए। शादी करने। तो ये तो पहले ये शादी करने के लिए तैयार थे? ये मामला जो आपने अभी दर्ज कराया था वहाँ पे महिला समिति के लिए भी लोग, हाँ, महिला जो समिति जो होता है ना, हाँ, वो लोग पैसा हमको समझा। अच्छा, कितना मांग रही थी? पाँच। महिला समिति के लोग पैसा मांगी थी आपसे? क्यों मांगा? पार्टी से जो आया था। किस लिए मांगा गया था पैसा? तभी शादी कराएंगे तो नहीं करने देंगे। यही बात बोले थे। शादी करवाने के लिए आपसे महिला समिति 5,000 रुपया मांगा था। और आप ये लड़का आपका तैयार था? हाँ, ये लड़का तैयार था। फिर अभी बोलता नहीं, क्या एक घंटा में बोलता हूँ नहीं करेगा। तो महिला समिति के भगाओं में आ गए थे क्या? जी नहीं, ये लड़का हम तो तैयार थे, नहीं तैयार थे तो फिर बोले कि हम करेंगे शादी। वहीं शादी कराने के नाम से प्रेमिका से महिला समिति के द्वारा मांगे गए थे 5,000 रुपए। शादीशुदा होने के कारण प्रेमी कर रहा था इनकार। कानून के कड़े नियमों से बचने के लिए प्रेमी शादी के लिए हुआ तैयार। फिर महिला थाने के सामने मंदिर में एक दूजे के हुए और दोनों साथ रहने के एक दूसरे से किया वायदा। बोलिए ना। करण कुमार। करण कुमार, आपको हाजत में भी रखा गया, क्या वजह थी आखिर उसकी, क्यों रखा गया था? लड़की डिवोर्स पेपर नहीं लाई थी। डिवोर्स पेपर? नहीं जी नहीं। ये डिवोर्स पेपर का क्या मामला है? लड़की शादीशुदा थी क्या पहले से? पूरी बात बताइए हम लोग। पूरा बात बताइए आप पहले। बताइए कि शादीशुदा। अच्छा, तो शादीशुदा होने के बाद आपका प्यार चल रहा था इनसे, इसलिए आप शादी करने से इनकार कर रहे थे। तो अब आप शादी किए, इसके क्या वजह, आखिर कैसे शादी किया फिर आप बताइए। अब दबाव, किसी का दबाव कुछ केस में दम्मा से दूर दबने के लिए, जेल से जान बचने के लिए। आपका कहाँ रहते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं आप? छरिया चार नंबर। तो आप शादी हो गई तो आप रखेंगे इनको साथ में रखेंगे ना? तो रखना ही पड़ेगा, रखेंगे। लेकिन ये शादीशुदा है आप बता रहे हैं? शादीशुदा अभी बोल रहे कि वो हमको छोड़ दिया, हमको भूल गया। तो उसके अलावा हम क्या बोले, कल देने पलटने, लड़की अगर पलट जाए तो दोबारा हम खोजने तक नहीं जाए। ताकि हम शादी से पहले डिवोर्स पेपर ऊपर मांगे पूरा एकदम, हमको वो अगर मंगाने से ये हो जाता, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता, डर नहीं रहता। ठीक। कब से प्रेम प्रसंग था आपका? साल भर। ठीक है, ओके। शादी कर लिया वो लड़का, वो भी शादी कर लेता। अच्छा, तो डिवोर्स आप लोग में नहीं हुआ है? डिवोर्स किसे, वो जिसे वो बोला हम कर लिए। अच्छा, तो उसको तो जाना, वो बोला हम सीधा बोला हम नहीं रखेंगे। नहीं ठीक है, नहीं रखेगा तब ना भी जिंदगी मेरा दूसरा कब तक लगे। ठीक है, झरिया में रहती हैं? जी। कहाँ पे? टीना बता। टीना बता, आप कहाँ रहते हैं? झरिया चार नंबर। नाम आपका? करण कुमार। ठीक ठीक।